चंद्रपूर शहर महानगरपालिकेतील सत्ताधारी भाजप पदाधिकाऱ्यांनी मागील 5 वर्षांच्या कार्यकाळात अनेक कामांमध्ये भ्रष्टाचार केला आहे. केवळ कमिशनखोरी कमविण्याच्या नादात मनपाचे आर्थिक नुकसान करीत कंत्राटदाराला फायदा पोहोचेल असे अनेक कंत्राट मंजूर केले आहेत. भ्रष्टाचाराच्या यादीत आता जाहिरात फलक घोटाळा समाविष्ट झाला आहे. स्थायी समितीच्या शेवटच्या बैठकीत राजकारणे मीडिया व्हेव्ज प्रायव्हेट लिमिटेड नागपूर या कंपनीला शहरातील 9 जाहिरात फलक भाडेतत्वावर देण्याचा निर्णय झाला आहे. याच कंत्राटाचे आधी महापालिकेला वर्षाकाठी 10,80,000 रुपये प्राप्त होत होते. मात्र या कंत्राटातून आता केवळ 4,23,570 रुपये प्राप्त होणार आहेत. त्यामुळे मनपाचे वर्षाला 6,56,430 रुपयांचे आर्थिक नुकसान होणार आहे. सदर कंत्राट 10 वर्षांकरिता असल्याने मनपाला 65,64,300 रुपयांचे नुकसान सहन करावे लागणार असल्याचा आरोप चंद्रपूर शहर जिल्हा काँग्रेस कमिटीचे जिल्हाध्यक्ष रितेश तिवारी यांनी केला आहे. पिछले 5 साल से जो भारतीय जनता पार्टी की महानगर पालिका पे सत्ता थी, महानगर पालिका में सिर्फ भ्रष्टाचार के सिवा उन्होंने कुछ किया नहीं. अभी जाते जाते भी उन्होंने एक भ्रष्टाचार किया. आज हमारे को जो जानकारी मिली है, एक जो महानगर पालिका के खुद के 9 होर्डिंग जो शहर में लगे हुए है, वो आज 4-5 सालों से जो बोर्ड लगे है, उनका जो कुंवर टिकमचंद सराफ बोल के जो एक व्यवसायी थे, उन्होंने किराए से लिए थे, उसको 10,000 रुपये महीने से वो महानगर पालिका को पैसे दे रहे थे. पर इन्होंने एक टेंडर लिए जो नागपुर की एक एजेंसी को दिया गया है, कोई राजकारणी बोल के है, उसको टेंडर दिए. वो सिर्फ 4.5 लाख रुपये साल के हिसाब से टेंडर गया है. यानी पहले 10,000 रुपये एक बोर्ड के मिल रहे थे, अभी सिर्फ 5,000 रुपये एक बोर्ड के मिलेंगे. तो ये पूरी तरह से मैनेज करके भ्रष्टाचार कर कोई भी एजेंसी को फायदा पहुंचाने के हिसाब से उन्होंने अट्टी और शर्ती में कि नागपुर में उसका विभागीय कार्यालय होना, जो एजेंसी काम ले रही टेंडर चंद्रपुर का, और एजेंसी होना उनको नागपुर की, और नागपुर में उसका ऑफिस होना, ये पूरी तरह से भ्रष्टाचार का वो काम है. इसका हम निषेध करते हैं और माननीय मोहिते साहब से हम निवेदन करते हैं कि इसकी आपने तुरंत चौकसी लगाकर जो दोषी है उसके ऊपर कार्रवाई करनी होगा, नहीं तो चंद्रपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी आंदोलन करेगी.